नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आप लोगों के लिए एक फ़ोन लेकर के आए हैं। जैसा कि अजय सर ने बताया कि हमारे व्यूअर्स कम से कम देखे कि हम लाइव फ़ोन को टेट कैसे डायग्नोज करते हैं और किस तरह से हम लोग किसी भी चिपसेट पे काम करते हैं। तो हमारे पास ये फ़ोन है, रेडमी का MI 10i मॉडल है, ठीक है, जो कि हमारा टेट है, चालू नहीं हो पा रहा है। तो इसको हम लोग किस तरह से रिपेयर करते हैं, चलिए हम देखते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि फ़ोन को अच्छी तरह से डिसेंबल करना है, ठीक है। तो हम इसे डिसेंबल कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम सब कुछ एक साथ बनाएं तो हमारे वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमें जो भी काम करेंगे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबा होगा। हम बोर्ड पे आ जाएंगे। बोर्ड पे आने के बाद सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना बैटरी कनेक्टर के पास से, कि बैटरी कनेक्टर पे हमारा क्या रेटिंग है, यहाँ से हम स्टार्टअप करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ बैटरी कनेक्टर पे देखेंगे कि हमारा कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। नहीं है, पॉजिटिव पे हमें 361 और एक साइड से हमारा, ठीक है, ये वैल्यू हमारा सही है, तो हमारा बैटरी लाइन सही है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बैटरी लाइन के बाद कि हमारा यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है। और एक बार आपको क्या करना है, अपने मदरबोर्ड का तहकीकात कर लेना है कि कहीं पे कहीं से कोई काम होकर के आया है, तो ये चीज़ भी आपको सही से एक बार देख लेना है। सीपीयू का इसका जो है कवर वो निकला हुआ है, तो कहीं पे हमें ज़्यादा छेड़छाड़ या कोई काम किया हुआ नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ सीपीयू के ऊपर इसका रैपर हटाया गया है। तो एक बार हमें इस फ़ोन की ना जो कंजप्शन है डीसी सप्लाई मशीन से हमें देख लेना है कि इसका क्या कंजप्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम डीसी सप्लाई मशीन से एक बार इसकी हम चेक कर लेंगे कंजप्शन की कितना हो रहा है। तो आपको हमारा डीसी सप्लाई मशीन का जो आउटपुट है वो दिख पा रहा होगा कि हमें 4.2 वोल्ट, 4.1 या 4.2 वोल्ट आपको रखनी है, और पावर की प्रेस करना है इसमें सप्लाई इंसर्ट करके। आप देख पा रहे हैं 300 तक ये जा रहा है हमारा बूटिंग, 290 300 तक बूटिंग जा रहा है, और इसके बाद ये हमारा वापिस आ जा रहा है, ठीक है। सेट हमारा प्रॉपर बूटिंग पे जा रहा है, लेकिन कम्प्लीटली ये फाइनल बूटिंग पे नहीं जा रहा है, ये हमारा वापिस आ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे हैंडसेट बूटिंग पे जा रहा है, वेरिएशन कर रहा है। तो एक बार हम इसे पीसी से लगा करके चेक कर लेंगे कि हमारा कोई कॉम पोर्ट वगैरह बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो हम अपना एक बार कॉम पोर्ट चेक कर लेंगे, तो कोई पोर्ट वगैरह भी हमारा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए कि इस तरह की जो कंजप्शन होते हैं, जो कि हमारा बूटिंग पे प्रॉपर 290 300 के करीब में जाता है और फोन हमारा फिर पुनः वापिस आ जाता है, तो इस तरह के प्रॉब्लम में जो है हमारा सीपीयू का भी काम होता है। तो हमें एक बार सीपीयू के आसपास शॉर्टिंग चेक कर लेने हैं। तो हमें एक बार सीपीयू के आसपास शॉर्टिंग चेक कर लेना है। ठीक है, हमारे आसपास कोई शॉर्टिंग नहीं है। सबसे पहले हमें इसका सील्ड हटाना है।
तो हमारा फोन चालू हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी इसका बैटरी लो है। तो कम्प्लीटली ये पता चल जाएगा कि अगर आप लोग काम करेंगे इस पे और अगर आप एक प्रोसेस को जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना मिली एम्पियर कंजप्शन और कितनी पावर की कंज्यूम में हमारा कहाँ कहाँ क्या फॉल्ट होता है, ये सारी चीज़ें पता लग जाता है। उसके बाद अगर आप काम करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, यहाँ यूजर का जो पिन कोड है वो डालने के बाद अब ये एक्टिव हो जाएगा। तो किस तरह से इसको मैंने सीपीयू रिपेयर करके इस फ़ोन को चालू किया है आप देख सकते हैं। और ये जो है ब्लैक पेस्टेड था, ये इसका बोर्ड है, आप देख सकते हैं कि इसके सीपीयू पे काम किया हुआ है। अभी जस्ट मैंने इसके सीपीयू पे काम किया है, ठीक है, सील्ड उतारी हुई है। ओके, तो क्या प्रोसेस है, आप अगर प्रोसेस के साथ काम करेंगे आपका काम हो जाएगा। ओके एवरीवन, थैंक यू। तो अजय सर का जैसा कि कहना था कि अगर कोई भी एक फ़ोन हो लाइव हम उसको करके देखें तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं और हमारा काम होता भी है।